अमरावती जिला महिला अस्पताल में इन दिनों गंदगी का साम्राज्य पड़ा हुआ है। गंदगी भी ऐसी वैसी नहीं है। जिला महिला अस्पताल के प्रत्येक वार्ड में जगह जगह दीवारों पर आपको गंदगी ही गंदगी नजर आएंगी। इतना ही नहीं तो जिला महिला अस्पताल के पिछले भाग में भी आपको जगह जगह पर गंदगी के ढेर नजर आएंगे। ये सब तो तस्वीरें आप देख ही चुके हैं, लेकिन इसके आगे भी कुछ तस्वीरें ऐसी है जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, अमरावती जिला महिला अस्पताल के प्रत्येक वार्ड में बने शौचालयों की हालत इतनी दयनीय है कि जहाँ पर आप एक सेकंड भी नहीं खड़े रह पाएंगे। आपको बता दें कि अमरावती जिला महिला अस्पताल में जहाँ नवजात शिशु जन्म लेते हैं और उनके साथ में उनके परिजन भी वहां पर होते हैं, लेकिन जिला महिला अस्पताल के शौचालयों में जगह जगह पर गंदगी ही गंदगी पड़ी है, जिसके चलते किसी भी वार्ड में खड़े रह पाना भी मुश्किल है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिले के दूर दराज की 14 तहसीलों से यहां पर मरीज भर्ती होते हैं। इन दिनों वैसे भी डेंगू का प्रकोप बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। अमरावती शहर सहित जिले भर में डेंगू की बीमारी भी चौतरफा फैली हुई है। लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रशासन अपनी आंखें बंद कर बैठा है। साफ सफाई के मामले में जिला महिला अस्पताल की तस्वीर जैसी तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी होगी। बोलो भाई, साफ सफाई नहीं पूरी गंदगी है और ड्यू दिखते नहीं साफ सफाई ना, वो भी नहीं साफ सफाई ना। और क्या क्या होता है यहाँ पे? ठीक है,
प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक दीवारों पर आपको जगह जगह बचा हुआ खाना, केले के छिलके और पानी से सरोवर दीवारें नजर आएंगी। उसी तरह से अमरावती जिला महिला अस्पताल के बाहरी क्षेत्र की तस्वीर तो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, जहां पर गंदगी के साथ साथ गंदे जानवर भी खुलेआम अस्पताल परिसर में घूमते फिरते रहते हैं, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती है। सामान्य मरीजों के साथ में ही ये गंदे जानवर भी आपको उन्हीं के बीच में नजर आएंगे। जिला महिला अस्पताल के बाहर बने छोटे से शेड में जहां पर मरीज अपने परिजनों का इंतजार करते हैं, तो उन्हीं के साथ में ये गंदे जानवर भी वहां पर नजर आएंगे। इन सब बात से आहत होकर कुछ मरीजों ने इसकी शिकायत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अरबाज खान से की थी। इस संदर्भ में अरबाज खान ने बीते महीने में भी अमरावती जिला शल्य चिकित्सक से इसकी लिखित रूप में शिकायत की थी और उन्होंने इस संदर्भ में आश्वासन दिया था कि 2 अक्टूबर तक जिला महिला अस्पताल में साफ सफाई नियमित रूप से होंगी, लेकिन आज 9 अक्टूबर बीतने को है, इसके बावजूद भी जिला महिला अस्पताल में दिन ब दिन गंदगी का साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। क्या इस बढ़ते गंदगी के साम्राज्य के बीच में इलाज करा रहे मरीज अच्छे होंगे या बीमार पड़ेंगे, ये भी सोचने जैसी बात है। और इसी के साथ में जो इस अस्पताल में नवजात शिशु अपना जीवन बिता रहे हैं, उनकी सेहत पर इसका क्या असर होगा, ये भी एक गंभीर बात है। अब देखना यह है कि इस संदर्भ में प्रशासन कितना गंभीर होकर क्या कार्रवाई करता है। लेकिन इस सभी के बीच में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अरबाज खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने जिला महिला अस्पताल के संदर्भ में उचित कार्रवाई नहीं की तो वो तीव्र आंदोलन करेंगे। और इसी संदर्भ में आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल की जो परिस्थिति है वो काफी चिंताजनक है, लेकिन इस परिस्थिति में क्या तकलीफें मरीजों को हो रही और आप लोगों के ओर से आगे इस संदर्भ में क्या कदम उठाया जाएगा? अपने क्या बोलते, तो महिला हॉस्पिटल डफरिन में यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी है कि अभी डेंगू का पूरा मसला चल रहा है, कि डेंगू के मसले में यहाँ नवजात शिशु जन्म लेते हैं और यहाँ ये कंडीशन है कि यहाँ कोई खड़े भी नहीं रह सकता, अपने ये सब बड़ा इंसान खड़े नहीं रह सकता, तो नवजात शिशु की क्या हालत होगी और उसमें डेंगू से अभी चारों तरफ कितने लोग मरीज मर रहे, तो बच्चों की क्या हालत होती होगी, और यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं। हमने इस सिलसिले में पिछले महीने 25 तारीख को सीएस को निवेदन दिए, सीएस से हमने गुजारिश की कि इसकी साफ सफाई कराए, सीएस ने हमको 2 तारीख तक के का समय दिया, लेकिन कुछ यहाँ पर कार्रवाई हुई नहीं। तो हम दोबारा सीएस के पास गए तो सीएस बोले छुट्टी पर हैं, फिर हम कलेक्टर ऑफिस गए तो कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर भी छुट्टी पर हैं, तो हम वापस डबरिन में आए, यहाँ के हमने वीडियो बनाए, यहाँ की हालत इतनी ख़राब है और लोगों को इतनी परेशानी और तकलीफ है, यहाँ तक कि यहाँ के लोग अगर कुछ बोलते हैं तो नर्स लोग उनको झिड़का रहे हैं, उनके ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसके बाद में अंदर हॉस्पिटल में इतनी गंदगी है कि अपन खड़े भी नहीं रह सकते। तो इस सब से अगर कोई किसी की जान जाती है या कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो हमने ये सब निवेदन दिए और हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम इसके बाद आंदोलन करेंगे और आंदोलन पे आंदोलन करेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होती। इस सब का जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। शोएब खान, विदर्भ न्यूज़, अमरावती।